नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपके लिए लेके आऊँ CRPF का। हम पहले पूरा इसका सिलेबस के बारे में क्लियर करते हैं। दोस्तों थोड़ा मैंने इसका सिलेबस पहले अच्छी तरह नहीं देखा था, उसमें क्या हुआ है कि जो ट्रेड क्वेश्चन है वो बहुत कम है, यानी ट्रेड क्वेश्चन लगभग हटा दिया। आप ट्रेड क्वेश्चन ओनली जहाँ आप ट्रेड टेस्ट देने जाओगे वहाँ आप कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी जो पेपर में है वो ट्रेड संबंधी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अब जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं अनाउंस करने जा रहा हूँ वो ये है कि दोस्तों हम ये करेंगे कि आपको जो आपका पूरा सिलेबस CRPF का जो ट्रेड मैन है टेक्निशियन जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, ठीक है। मैथ रीजनिंग का बिल्कुल एक जेड सिलेबस आपको करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। मेरी गारंटी कि उसमें से 100% का 100% उसमें से आएंगे, ठीक है। अब मैं आपके सामने सिलेबस की बात करता हूँ तो हम टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। अब चलते हैं, हम देखो कौन सा सिलेबस कैसे है उसमें चलते हैं। चलो आगे देखो दोस्तों, हमें परीक्षा की तैयारी एक प्रॉपर तरीके से करनी होगी। कैसे करनी होगी वो आपको सब मैं बताऊंगा। टेस्ट सीरीज में हम आपको देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस किस हिसाब से आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसे किसके आएंगे। देखो 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 दोस्तों, आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहा है कि जो पहले जो एग्जाम होगी वो एग्जाम होगी हमारी कंप्यूटर आधारित। पहला क्वेश्चन तो ये 100 नंबर का इसमें पेपर होगा, 100 ही प्रश्न आएंगे इसमें, ठीक है। अब प्रश्न को कैसे डिवाइड कर रखा है वो देखो। देखो दोस्तों, इसमें ए पार्ट दे रहेगा 25 नंबर की रीजनिंग, रीजनिंग का पार्ट दे रहेगा 25 नंबर की रीजनिंग है और 25 ही क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 ही नंबर के आएंगे। दूसरा काम इसमें दे रखा है जीके यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, यानी जीके पार्ट दे रखा है जो इसने 25 नंबर के तो क्वेश्चन दे रखे हैं, 25 ही क्वेश्चन और 25 ही नंबर दे रखे हैं, ठीक है। अब अगला पार्ट चलते हैं। देखो आगे क्या दे रखा है, दूसरा पोर्शन दोस्तों हिंदी का, सॉरी सामान्य गणित का। देखो गणित में क्या दे रखा है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर। अब अंग्रेजी या हिंदी, या तो आपको इंग्लिश में करना होगा या हिंदी का पेपर देना होगा। दो पेपर आएंगे, इंग्लिश का और हिंदी दोनों का आएगा, यानी कि आपको चॉइस करना होगा आप हिंदी का दोगे या इंग्लिश का, ठीक है। दोनों में से एक देना है तो मैं मानता हूँ हिंदी में। यहाँ आपको मैं हिंदी इंग्लिश का टीचर मिला नहीं तो मैं हिंदी पूरी करवाऊंगा, आपकी मैडम के द्वारा हिंदी का पूरा सिलेबस करवाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है दोस्तों, इसमें बात यह है कि इसमें माइनस के भी माइनस मार्किंग भी है, यानी कि 1/4 यानी कि 0.25 आपको इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक, इसका मतलब यह है कि आप यदि 3 क्वेश्चन, इसका 1/4 का मतलब है 4 में से आप एक गलत करोगे, सॉरी 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 क्वेश्चन और कटेगा, यानी कि 5 क्वेश्चन का नुकसान होगा, ठीक है। 4 गलत करोगे तो नुकसान कितना होगा, 5 क्वेश्चन एक सही होगा वो भी कटेगा, ठीक है। अब देखो इसका सिलेबस विस्तृत जानकारी है वो देखते हैं। देखो दोस्त, पहले है रीजनिंग का। देखो रीजनिंग के अध्ययन का विश्लेषणात्मक योग्यता, पैटर्न को देखने और उन्हें अलग करने की क्षमता का परीक्षण मुख्य रूप से अशाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से किया गया है। इस घटना में समरूपता, देखो समानता, अंतर, स्थानिक दर्शे, स्थानिक अभिविन्यास, दर्शे स्मृति, विवेदना, अवलोकन संबंध, अवधारणा, अंगणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण और अंगणितीय संख्या, संख्या श्रृंखला, अशाब्दिक श्रृंखला और कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों ये सभी पार्ट में आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट करवाएंगे। देखो इसमें दिशा और जो मतलब दिशा भी नहीं दे रखी इसमें, देखो एक तो इसमें संबंध अवलोकन संबंध अवधारणा दे रखी है लेकिन इसमें दिशा नहीं दे रखी है, ठीक है। इसमें कैलेंडर नहीं दे रखा, इसमें घड़ी नहीं दे रखी, ठीक है। तो जो पार्ट नहीं दे रखा उस पार्ट को हम बहुत लास्ट में करेंगे, यदि टाइम मिलेगा तो हम उसको लास्ट में करेंगे। बाकी जो आपके देखो डिकोडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट शाब्दिकरण, ये सभी कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो पहले हम कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट पढ़ेंगे, बिल्कुल एक सिक्वेंस से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चलो सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, यानी इस घटना में प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, यानी कि नॉर्मल जीके प्रश्नों का वर्तमान घटनाओं के ज्ञान और रोजमर्रा के ऐसे मामलों में अवलोकन उसके वैज्ञानिक पहलू को अनुमान के परीक्षा के लिए भी तैयार किया जाएगा, यानी कि करंट जीके भी आपके आएगा, यानी 4-5 महीने का आपको करंट जीके भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट दे रखी कि भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। पड़ोसी देशों का क्षेत्रफल ये हम करवाएंगे आपको बिल्कुल, ठीक है। खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल,
आर्थिक विज्ञान, सामान्य नीति और भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि संबंधी ये प्रश्न ऐसे होंगे कि इनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं हो, यानी कि ये विशेष क्वेश्चन होंगे। मैं आपको 1,000 क्वेश्चन का एक तो पर्यटन कराऊंगा, ठीक है, उसके साथ ही आपको 5,000 क्वेश्चन का एक होगा, ठीक है, एक तो होगा 1,000 का और एक होगा 5,000 के, यानी दो पर्यटन होंगे हमारे, कुल मिला के 6,000 क्वेश्चन हो गए। लगभग 6,000 क्वेश्चन आप पढ़ लोगे ना तो बिल्कुल आपके एक क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, करंट का आपको पढ़ना पड़ेगा, करंट जहां तक संभव होगी हम भी पढ़ाएंगे लेकिन फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर भी आप अखबार या मोबाइल से आप देख सकते हो, ठीक है। तीसरा पोर्शन, तीसरा दे रहेगा मैथामेटिक्स। देखो मैथामेटिक्स समस्याएं, पूर्ण संख्याएं, गणना, दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच संबंध, मौलिक अंगणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रफल और दूरी और अनुपात, समानुपात, समय और कार्य आदि प्रश्न मिलेंगे। बिल्कुल आपको टॉपिक बाय टॉपिक करवाएंगे, आधे टॉपिक तो मैंने करवा रखे अपने पोर्शन में, बाकी जो बच के टॉपिक वो मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है दोस्तों। अंग्रेजी और हिंदी, हिंदी के पोर्शन हम करवाएंगे, हिंदी का बिल्कुल आपको इजी तरीके से सिलेबस करवाएंगे। हिंदी में क्या दे रखा है, इसमें कि वो नॉर्मल चीज़ें, यानी कि इसमें पर्यायवाची आएंगे, एकल शब्द आएंगे, विलोम विलोम शब्द आएंगे, ठीक है, और जो वाक्य शुद्धि आएगी, ये शब्द आएंगे, ठीक है। इन शब्दों का बिल्कुल आपके एक एक टॉपिक वाई करें, संज्ञा, विशेष, विशेषण, ये सभी आपको करवाए जाएंगे एक टॉपिक वाई टॉपिक, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, दोस्तों चैनल को पूरा देखें, आराम सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोबारा ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जब वीडियो डाले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।